व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि सबसे ज़्यादा ताकतवर मसल कौन सी है हमारी ह्यूमन बॉडी में, और पता लगाएंगे इन सब में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन सी है। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। लॉट्स ऑफ वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है जिनसे आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात तो कि व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, इसकी बात करें तो देखिए बेसिकली देर इज़ नो आंसर। अगर ऐसा कोई एक आंसर नहीं है कि आपकी बॉडी में हाथों की मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर और पैरों की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, उसके लिए मैं एक रीज़न देता हूँ बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर आप स्ट्रेंथ को मेज़र करने के डिफरेंट वेरिएशंस हैं। जैसे कि अगर आपको एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ देखनी है तो उसके लिए मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर आपको डायनामिक स्ट्रेंथ देखनी है तो किसी की रिपीटेड मोशन कितने हो रहे हैं वो देखना पड़ेगा। किसी की इलास्टिक स्ट्रेंथ अगर आपको चेक करनी है तो वो कितनी जल्दी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है। और अगर किसी को स्ट्रेंथ चेक करना हो तो कि उसका फटीग स्ट्रेंथ एंड्योरेंस अगर चेक करना हो तो उसका फटीग कितनी देर में हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों को जानते हुए आज हम पता लगाते हैं कि सबसे बेस्ट मसल कौन सी है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है। तो देखिए, ये सारी मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहली बात तो है एक्सटर्नल मसल ऑफ आई। तो अगर पहली मसल की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल में काउंट होती है, क्योंकि देखिए जो हमारी आँखें होती हैं ये करीबन 1000 कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करती हैं। जब आप कोई एक घंटे की बुक पढ़ते हैं तो 10,000 मूवमेंट्स करना एक मसल के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। और इनको मसल्स को काम कराने के लिए ये आपकी एक्सटेंशन मसल जो आँखों के अंदर होती है आपकी, वो सहायक होती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल होती है। नेक्स्ट आपकी है ग्लूटियस मैक्सिमस, जिसको हिप मसल भी बोलते हैं, और ये आपके हिप में प्रेजेंट होती है। बेसिकली ये लार्जेस्ट मसल होती है, और लार्जेस्ट होने के कारण ये बहुत ही पावरफुल मसल भी होती है, क्योंकि इसका काम क्या है, हमारी ट्रंक और बॉडी को पोस्चर को बनाए रखना। और इट इज़ द चीफ एंटी ग्रेविटी मसल, ठीक है, और वॉकिंग और सब चीज़ में यह बहुत ज़्यादा मददगार होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मसल होती है। नेक्स्ट आपकी है स्ट्रॉन्ग मसल आपकी हार्ट। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग मसल इन द सेंस अगर हम देखें कि हार्डेस्ट वर्किंग मसल, तो ये सबसे ज़्यादा काम करती है। क्योंकि आप सभी को पता होगा, जब से हम जन्म लेते हैं और तब जब हम मरते हैं तब तक हमारा हार्ट बीट करता रहता है और अंत तक काम करता रहता है। तो देखिए, 71 ग्राम ऑफ ब्लड पर पंप में ये आपका पहुंचा देता है पूरे। और इसका काम क्या है, पूरे दिन पंप करता रहना ब्लड को, पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुँचाने में। और डेली का अगर हार्ट का पंप की बात करें हम, तो एटलीस्ट 2,500 गैलन्स, जिसको हम बोलेंगे मतलब 9,500 लीटर ब्लड, इतना मान लीजिए आप, ये डेली पंप करता है इतना। और एक औसतन हार्ट की 3 बिलियन टाइम्स धड़कता है वो इंसान के जिंदगी भर में, मतलब पूरी लाइफ लॉन्ग में वो 3 बिलियन टाइम्स धड़कता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैसेस्टर मसल की, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, क्योंकि इन द वेटेड और एग्जर्ट फोर्स करने में, उसके बाद में इसको आप देखिए आपके ये कहाँ पे होती है, जबड़े में मसल होती है, जो जबड़े वाली मसल होती है उसी को मैसेस्टर मसल बोलते हैं। और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी दोस्तों यहीं पाई जाती है। वैसे फीमर बोन जो हमारी थाई की बोन होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन देखिए, आपको मैं एक बात बता दूँ इंटरेस्टिंग, जो जबड़े का काम क्या है, हमारे खाने को टुकड़ों में काट के उसको स्टमक तक पहुंचाना, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो। अब उसके बाद हम बात करें जॉ वर्किंग, तो इसका देखिए
टुगेदर इट कैन क्लोज द टीथ विद द फोर्स ऑफ 55 pounds, मतलब 25 किलोग्राम तक ये जनरेट कर सकता है ऑन द इंसीसर्स, और ये 90.7 किलोग्राम तक जो इंसीसर्स हमारे होते हैं, आपको पता है कैनाइल इंसीसर्स, मोलर्स और प्रीमोलर्स, ये हमारे टीथ्स होते हैं, तो ये 90 किलोग्राम तक फोर्स जनरेट कर सकता है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मैसेस्टर ह्यूमन बॉडी में बोला जाता है इन द सेंस ऑफ फोर्स प्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें मसल ऑफ यूटेरस, ठीक है, तो बेसिकली अगर हम तो द यूटरस जो हमारा बेसिकली कहाँ होता है, ये फीमेल्स में पाया जाता है और ये पेल्विस रीजन में, और इसका बेसिकली काम क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके दौरान मतलब बेबी को पुश करने के लिए और बर्थ कैनाल से बाहर निकालने के लिए बेसिकली ये आपका यूटरस काम आता है। तो यूटरस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा फोर्स जनरेटिंग मसल माना जाता है, क्योंकि देखिए द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में कम होता है, फीमेल्स में इसलिए ज़्यादा होता है ताकि वो स्टिमुलेशन को कॉन्ट्रैक्ट कर पाएँ। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, और भी बहुत सारे रोल हैं ऑक्सीटोसिन के, हम हॉर्मोन्स के एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें जानेंगे हॉर्मोन्स के काम। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोलियस मसल, ये भी आपने सुना होगा सोलियस मसल, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है आपकी, जो काफ मसल होती है आपकी गैस्ट्रोक्नीमियस उसके नीचे होती है। तो ये क्या है, देखिए द मसल कैन पुल विद ग्रेटेस्ट फोर्स, ये पुल करके रखती है हमारी सोलियस मसल जो होती है, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करती है, और जो काफ मसल होती है उसके पीछे नीचे होती है, बिलो द काफ मसल जो गैस्ट्रोक्नीमियस है इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ आपको सोलियस मिलेगी, ये देखिए ये, तो ये सोलियस मसल है, नीचे आपका अकिलिस टेंडन। और देखिए सोलियस मसल वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉकिंग, रनिंग और डांसिंग, और वेरी पावरफुल मसल अलोंग विद द काफ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मैंने बताया था आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है मसल, और बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। नेक्स्ट आपकी टंग, फ्लेक्सिबल में अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मानी जाएगी, क्योंकि ये पूरे दिन हमारा खाने का जो भी सलाइवा होता है मिक्स करती रहती है, और मिक्स करने के साथ साथ ये जो सलाइवा है स्टमक में जाता रहता है, और कंटिन्यूसली हमारी फूड की जो डाइजेशन है वो चलता रहता है। जब पर्सन सो जाता है तो ये कह रहा है कि इवन ए पर्सन स्लीप्स, और जब जब भी हमारी जीभ काम करती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ मैंने मसल्स लिए हैं, उनके नाम लिए हैं, तो देखिए जैसे आप सभी को पता होगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे, बॉक्सर मसल किसे बोलते हैं, ये सेरेटर एंटीरियर होता है, जो आपकी जस्ट चेस्ट के थोड़ा सा साइड में जो रिब्स की मसल होती है उन्हीं को बोलते हैं सेरेटस एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे या फिर बैक। तो मसल ऑफ मैरिज ये बोलते हैं आपको मीडियल रेक्टस। नेक्स्ट आपकी हनीमून मसल, जिसको सार्टोरियस बोलते हैं, और सार्टोरियस आपकी टेलर मसल को भी बोलते हैं, और सबसे लंबी शरीर की मसल कोई है तो वो सार्टोरियस है, जो आपकी हिप से लेके इनर नी तक जाती है, ठीक है। उसके बाद स्विंग मसल है प्रोनेटर। नेक्स्ट आपकी क्लाइंबिंग मसल है लैटिसिमस डोर्सी, और यह आपकी रोइंग मसल भी है लैटिसिमस डोर्सी। उसके बाद में बहुत सारी मसल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको डिस्कस कर लेते। देखिए टेलर मसल आ गई है, टेलर्स मसल आपकी सार्टोरियस, ऐसे ही बहुत सारी मसल आती हैं दोस्तों, स्विमिंग मसल हो गई, उसके बाद में और पुशिंग मसल हो गई, पुशिंग मसल आपकी कौन सी है दोस्तों, पेक्टोरलिस मेजर, स्विमिंग मसल आपकी डेल्टॉइड, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और इसकी वीडियो की जो PDF है मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी है, तो आप चैनल पे ले सकते हैं, चैनल से आप जस्ट डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम ऐप, और टेलीग्राम पे मैंने ये ऑलरेडी चैनल पे वीडियो डाल रखी है उसकी PDF।
सो सी यू इन अनदर वीडियो.